नमस्कार, मैं शेफ संदीप दुआ। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे गाजर और चुकंदर की कांजी। यह एक फर्मेंटेड ड्रिंक है। फरवरी और मार्च मौसम के बदलाव के इन दिनों के लिए यह एक सुपर टॉनिक ड्रिंक है। कांजी को होली के दिन भी खाने के बाद सर्व किया जाता है ताकि खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। तो चलिए बनाते हैं यह सुपर हेल्दी ड्रिंक। कांजी बनाने के लिए हम यहाँ दो गाजर को लंबे पीसीज में कट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। जब तक मैं यहाँ कैरेट को कट करता हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हमने आधे चुकंदर को भी लंबे पीसीज में कट कर लिया है। अब बारी है कांजी के मेन इंग्रेडिएंट को पीसने की, जो कि है मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। हमने यहाँ राई को पीस लिया है कुछ इस तरह से। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। तो मैंने एक यहाँ ग्लास का बाउल लिया है, उसमें सबसे पहले मैं डालूंगा राई। राई डालने से हमारी ड्रिंक फर्मेंट होगी और कांजी में एक अच्छी सी खटास आएगी। यहाँ मैंने एक चम्मच राई ली है। अब मैं यहाँ डालूंगा एक चम्मच काला नमक, आधा चम्मच वाइट सॉल्ट, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, साथ ही डालेंगे आधा चम्मच हींग। अब यहाँ बारी है मिक्सचर में पानी डालने की। ध्यान रहे मैंने यहाँ बॉइल्ड वाटर यूज़ किया है, जिसे मैंने ठंडा करके मिक्सचर में मिलाया है। अब मैं यहाँ इस मिक्सचर को एक मिट्टी की हांडी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। यहाँ अब बारी है इसमें गाजर मिलाने की और चुकंदर मिलाने की। अब यहाँ हम हांडी में और पानी डालेंगे। मैंने यहाँ टोटल 2 लीटर पानी का यूज़ किया है। हमारा कांजी का मिक्सचर पूरी तरह से बनकर तैयार है। यहाँ अब बारी है इसे फर्मेंट करने की। कांजी को ढककर धूप में रख दें। हाँ, हमने अपनी हांडी को सिर्फ 2 घंटे के लिए धूप में रखा है और फिर बाकी समय छाँव में रखा है। अगले दिन फिर इसे 2 घंटे धूप में रखें और उसके बाद छाँव में रख दें। इस तरह से 2 दिन बाद हमारी कांजी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आया है। आप इसे मिट्टी के ग्लास या फिर किसी डिज़ाइनर ग्लास में सर्व कर सकते हैं। इसे फ्रिज में ठंडा कर या फिर रूम टेम्परेचर पर सर्व करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।